हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25
परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साईं तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि
उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रोटर टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सेनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सेनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सेनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सेनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साईं तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साईं तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सेनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने
का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोल ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान
के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मलाई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार है जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मलाई भाईचे की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।
बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तमनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौर के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौर के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021
की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रीमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन
और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौर के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौर के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्मणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह
दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3 में 0.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सेनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सेनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सेनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सेनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सेनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सेनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्मणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर
12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई भाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौर के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौर के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और
लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाई की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी
और जो एक बनने का इंतज़ार नहीं कर सकती, उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान
के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मलाई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें सोशल मीडिया की तो इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मलाई भाईचे की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।
बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तमनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत प्रश्न थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रोटर टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021
की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी साई तम्हणकर मनोज पाहवा सुप्रिया पाठक एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सेनोन
और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई व्हायची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौर के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौर के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई व्हायची 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार है जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह
दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3 में 0.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईचे की रिमेक। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्मणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रोटर टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत प्रष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी।
उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी इस्तेमाल की। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रोटर टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी साईद तम्मनकर मनोज पाहवा सुप्रिया पाठक एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान
के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई भाईचे की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।
बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तमनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करती है इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार है जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021
की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई भाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौर के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौर के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन
और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रीमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्हणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्हणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह
दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3 में 0.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साईं तम्मणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत प्रश्न थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्मणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रोटर टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साईद तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक, सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई भाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए
फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत प्रष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई फाई की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान
के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत प्रश्न थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021 की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आई भाईचे की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी, साई तम्मनकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।
बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तमनकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मलाई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तामनकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेबल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें सोशल मीडिया की तो इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मिमी 2021
की बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसका मेडॉक फिल्म्स के दिनेश विजय ने इसका निर्माण किया है। 2011 की मराठी फिल्म मला आईफाईची की रिमेक इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है जो एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट का माँ बनने का विकल्प चुनती है। पंकज त्रिपाठी साई तम्मणकर मनोज पाहवा सुप्रिया पाठक एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाइटॉक सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके कास्ट की तो कृति सेनन मिमीरा उर्फ मिमी राठौर चांद के रूप में, पंकज त्रिपाठी भानु प्रताप पांडे नरसुद्दीन नकली के रूप में, साई तम्मणकर शमा जफरून के रूप में, मनोज पाहवा मान सिंह राठौड़ के रूप में, सुप्रिया पाठक शोभा राठौड़ के रूप में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो अप्रैल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी जो सरोगेसी के इर्द गिर्द घूमेगी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने की सूचना मिली थी। अगस्त 2019 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया गया था और सनोन और पंकज त्रिपाठी को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया गया था। यह आगे मराठी फिल्म मला आई भाईचे 2011 पर आधारित होने की पुष्टि की गई थी। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दिनेश विजान ने कहा कि मिमी मार्मिक कहानियों के विपरीत सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी। उनके लिए फिल्म एक ऐसी महिला के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की खोज करती है जो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और जो एक बनने का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहानी में अप्रत्याशित भाग को हास्य कहा। सनोन ने कहा, आपके पास बहुत हास्य और स्थितिजन्य हास्य होगा, साथ ही ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें आप घर वापस ले जाएंगे। गर्भवती महिला के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमें गर्भावस्था के दृश्यों को शूट करना था और लक्ष्मण सर बहुत स्पष्ट थे कि उन दृश्यों के लिए वजन बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरदार का चेहरा तराशा हुआ हो। अभिनेत्री सई तम्मणकर को त्रिपाठी के साथ स्क्रीन साझा करते हुए फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। उन्हें राजस्थान की एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका के लिए उर्दू के साथ साथ राजस्थानी बोली भी सीखी। बात करें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की तो समीक्षा एग्रीगेटर्स वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 12 आलोचकों की 25% समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्याहरे ने 5 में से 4 स्टार देते हुए और कहा, मिमी एक प्रासंगिक विषय चुनती है और इसे मानवता और मातृत्व पर एक आकर्षक सशक्त और दयालु कहानी में बदल देती है। तरण आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती तो इसके सफल होने के अच्छे आसार थे। उन्होंने ऐसे 5 में से 3.5 स्टार दिए। मैशेल बल इंडिया की सुश्री साहू ने भी फिल्म को एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजक बताते हुए 3.5 स्टार दिए और लिखा, मिमी एक पारिवारिक मनोरंजन है जो आपको एक ही समय में रुलाएगी, हंसाएगी और मुस्कुराएगी। अगर आपको यह पसंद है तो आप मिमी का आनंद लेंगे जो सनोन
और त्रिपाठी के अभिनय से समृद्ध है। मिमी में सनोन के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, सनोन ने खुद को पीछे छोड़ दिया और वास्तव में जैसा कि आप उन्हें अपनी कला के साथ फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी पूरी तरह से सनोन के प्यार का परिणाम है। बात करें इसके होम मीडिया की तो इस मूवी को आप ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।